मोटर बंद कर दो, वीडियो बना रहा हूँ यार। आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे एक को किल करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं दाल बनाने वाला हूँ और आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने किया गैस को ऑन, ठीक हो गया। और जब ये गैस ऑन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों ने करना ही है कि ऑयल कौन सी दाल बना रहा हूँ मैं, ये वाली दाल, यू कैन चेक दैट, ये वाली दाल। और ऐसे मज़े की दाल मैं बनाऊंगा कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। कुकिंग मुझे बहुत अच्छी आती है भाई। अभी मैं डाल रहा हूँ ऑयल, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि मैं फ्राई दाल मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं फ्राई दाल बनाता हूँ इस वजह से, ठीक हो गया। तो इसको मैंने कर दिया साइड। जैसे ही ये लेना है आपने, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि बहुत गर्म हुआ है, मुझे हाथ लगा इस पर। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे कैसे दिखा लूँ आप लोगों को, थोड़ा सा इंचे करके दिखाता हूँ कि मैंने ऑयल कितना डाला इसमें। ये है ऑयल, ठीक है। अब व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ इज इसके बाद मैं डालूंगा इसमें क्या, प्याज, ठीक है। प्याज मैंने काट के रखे हैं। जैसे थोड़ी ऑयल को थोड़ा गर्म करने रहे, जैसे गर्म हो जाएगा ना तो ये प्याज जो है वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे आपके लिए। मैं चेक करता हूँ पहले एक प्याज डाल के कि देखो हल्की सी आवाज़ आएगी, जब ये ठापड़ की आवाज़ आएगी ना तो इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो चुका है, प्याज डालने का की बारी आ गई है, समझ आई। सो ये नाम मैंने ड्यू डाल दिया मैंने, ठीक हो गया। इसको थोड़ा फ्राई होने दें, ठीक है। इसको जब जैसे ये फ्राई हो जाता है, ये ब्राउन हो जाता है ना प्याज, जैसे ब्राउन हो जाएंगे तो आपने करना ये है कि इसमें आपने टमाटर डालने, ठीक हो गया। कैसे पॉज करूँ ताकि यार ये हो गए प्याज बिल्कुल रेडी हो गए, तो मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर टमाटर। ठीक है, इसके साथ मैंने मसाला भी साथ में डाला है, लेकिन पता है प्याज थोड़े से जल गए। मैं थोड़ा सा पानी डालता हूँ इसमें फटाफट से। और इसके साथ साथ मैं डालता हूँ नमक। नमक आपको डालना लास्ट नहीं है, नमक डालना लास्ट, भूलना नहीं आप लोगों को। अब ना मुझको है सहना यार, डांस भी करना चाहिए कभी कभी, बोरिंग से नहीं होती मुझसे कुकिंग शुरू, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं ढक्कन बंद करता हूँ ताकि ये शोर ज्यादा ना करे। अभी डांस की बारी है, छोड़ छाड़ के अपने सनम की गली अनार गली डिस्कोच। बस ठीक है, अब वेट करता हूँ। उसके बाद पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब बारी है कि हम इसके अंदर डाल दें दाल जो मैंने बॉईल करके रखा था। ठीक हो गया, इसको मैंने डाला और इसके बाद इसको मिक्स करता हूँ। ये ज़रा बड़ा है इस वजह से मिक्स करता हूँ, हाथ लग जाता है बार बार। थोड़ा सा
ये तो थोड़ा सा कम करते हैं। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मुश्किल पड़ गई पहचाने क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा दाल। यम। सो इसमें मैं डालता हूँ पहले और आपको दिखाता हूँ। ये बन चुका है दाल और इसको आप, दिस इज कॉल्ड फ्राइड दाल, ठीक है, और मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूँ। अशर आई लव यू, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हें। लिटरली मैंने छोटी प्लेट में इसलिए ली क्योंकि धोना बाद में मुझे ही पड़ता है, समझ आई। बड़ी प्लेट में लूंगा फिर मुझे धोना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोटी प्लेट में ली क्योंकि ये इजी होता है धोने के लिए, समझ आई। सो गाइज, दिस इज माई वेरी फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू मेक दाल इन आवर लोकल होम। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, मैंने इन्जॉय आप लोगों ने किया होगा। सो ये कहाँ जा रही है, पैंट नीचे उतारी मेरी। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों ने मजा किया होगा, और ये है कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो हिट बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। वैसे ये हमारा लोकल म्यूजिक है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगा आपकी कोई किवरी है या अगर कोई किसी चीज़ को बनाना चाह रहे हो तो यू कैन कमेंट हियर एंड बाय बाय।